Hello all, welcome to HVHP Institute of Postgraduate Studies and Research, CUDRI. आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के दूसरे प्रैक्टिकल के बारे में, जिसका नाम है E by K पावर ट्रांजिस्टर। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग E by K का रेशियो निकालने वाले हैं यूजिंग के पावर ट्रांजिस्टर, PNP ट्रांजिस्टर। सो लेट अस स्टार्ट। द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज to determine the E by K ratio using a PNP power transistor. अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि E by K ratio होता क्या है, right? E is the magnitude of charge of an electron, जो होता है 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. And K is the Boltzmann constant, जिसकी value 1.38 into 10 raised to minus 23 joule per Kelvin. अब इन दोनों का रेशियो हम लोग एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर ट्रांजिस्टर से हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। दैट इज, इट इज वन काइंड ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द रेशियो। जो अपैरेटस हमें इस एक्सपेरिमेंट के लिए लगने वाला है वो है एक ई बाय के का सर्किट बोर्ड, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर, एमिटर जिसका रेंज होगा 0 से 500 माइक्रो एम्पियर, वोल्टमीटर जिसका रेंज होगा 0 से 1 वोल्ट, एक थर्मामीटर जिससे हम लोग लेबोरेटरी का रूम टेम्परेचर मेजर कर सकेंगे, कनेक्टिंग वायर्स एंड ऑफ कोर्स द पावर सप्लाई। ठीक है, यहाँ पर मैं एक सिंपल बात कहना चाहूँगा कि जो पावर ट्रांजिस्टर होता है वो कोई अलग से बड़ा या कुछ डिफरेंट ट्रांजिस्टर नहीं होता है। बेसिकली इट कैन हैंडल हाई वोल्टेज एंड हाई करंट। ठीक है, सो बेसिकली हमें यहाँ पर एक पीएनपी ट्रांजिस्टर ही यूज़ करना है जो हाई वोल्टेज और करंट से डील कर सके। सो दैट्स अवर सर्किट डायग्राम, जो बड़ा ही सिंपल है। हमने एक ट्रांजिस्टर लगाया है, एक एमिटर और एक वोल्टमीटर लगाया हुआ है, एंड इट इज प्रॉपरली एंड सिंपली कनेक्टेड। जो अपैरेटस हम लोग यूज करने वाले हैं उसके डायग्राम्स और फोटोग्राफ्स आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा सर्किट बोर्ड है, हमारा वोल्टमीटर जो हमने स्पेसिफाई किया था, हमारा एमिटर है जो है, जो जो हमने रेंज स्पेसिफाई की थी उसी का हमने एमिटर लिया हुआ है। पीएनपी ट्रांजिस्टर जो आप देख रहे हैं इस फिगर में, इसके तीनों टर्मिनल्स दैट इज द एमिटर, कलेक्टर एंड बेस इस तरह से अरेंज किए हुए हैं, एंड फाइनली द थर्मामीटर। एंड अकॉर्डिंग टू द सर्किट डायग्राम हियर बाय वी कनेक्ट द सर्किट। ये हमारे लैब का सेटअप है जिसमें आप लोग सर्किट बोर्ड देख सकते हैं। यहाँ पर जो दो मीटर्स लगाए गए हैं, जो लेफ्ट में आप लोग देख रहे हैं वो वोल्ट मीटर एंड राइट में एमीटर, हमने दोनों चीज़ों को जोड़ा हुआ है। यू कैन सी द सर्किट कनेक्शंस, इट इज़ वेरी सिंपल। अब हम लोग एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट किस तरह से परफॉर्म करना है, कैसे रीडिंग्स लेना है, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एक E by K यूजिंग पावर ट्रांजिस्टर। यू कैन सी ए सर्किट बोर्ड, एक वोल्ट मीटर है, एक एमीटर है, दोनों के दोनों डीसी है। एक का रेंज है 0 से 1 वोल्ट जो हमने यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है, और एमीटर का रेंज है 0 से 500 माइक्रो एम्पियर जो हमने यहां पर कनेक्ट किया हुआ है। सो दिस विल गिव मी द रीडिंग ऑफ आईसी, दैट इज द कलेक्टर करंट, और ये मुझे रीडिंग देगा वीईबी का, दैट इज द एमीटर बेस वोल्टेज इन द वोल्ट मीटर। फाइन। सो और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें यहां पर जोड़नी है, जिसके बिना एक्सपेरिमेंट ही पॉसिबल नहीं है, वो है हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से किया गया है टू प्रोटेक्ट इट, और इसके तीन टर्मिनल्स है। वन इज द एमिटर विच कनेक्ट्स टू ई, कलेक्टर जो सी में कनेक्ट हुआ है, और बेस है जो बी में कनेक्ट हुआ है। सो इस तरह से आपकी सर्किट पूरी होती। नाउ यू कैन टर्न ऑन द सर्किट। नाउ यू कैन सी दैट वोल्ट मीटर और एम मीटर कुछ रैंडम रीडिंग्स दिखा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, हम लोग नॉब 0 पर सेट कर देंगे। नॉब मतलब जिससे हम लोग वीईबी को कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमने 0 पे कर दिया है। नाउ वी विल टेक अवर फर्स्ट रीडिंग। जैसे जैसे मैं वीईबी का वैल्यू चेंज कर रहा हूं, आप देख सकते हो कि 0.4 के आसपास वीईबी जो मेरा है, स्टिल आई एम नॉट गेटिंग एनी वैल्यू ऑफ द करंट। आईसी की वैल्यू अभी तक मुझे नहीं मिल रही है, लेकिन जैसे मैं 0.4 से ज्यादा जाता हूं, हम लोग थोड़ा सा धीरे जाएंगे, जैसे 0.42 या 0.44, यहां पे हर एक डिवीजन आप देख सकते हैं 0.4 और 0.6 के बीच में 10 डिवीजन है। सो हर एक डिवीजन का वैल्यू उस तरीके से हमें लेना है। सो जैसे ही मैं 0.44 के अराउंड वीईबी मुझे मैं सेट कर रहा हूं, मेरा करस्पॉन्डिंग आईसी दैट इज कलेक्टर करंट मुझे मिल रहा है। से फॉर एग्जांपल
10 माइक्रो एम्पियर. ओके, उसके बाद मैं 5 या 6 रीडिंग इस तरह से ले सकता हूं. फॉर डिफरेंट वीईबी आई विल गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कलेक्टर करंट आईसी. ओके, बट यहां पर हमें एक ऑब्जर्व करना है कि हमारा वोल्टेज का एक लिमिटेशन आ जाता है, जैसे 0.55 के ऊपर मेरा वोल्टेज नहीं जा रहा है. सो एट दैट पॉइंट यू कैन लिमिट योर रीडिंग्स. सो तकरीबन आप 5 या 6 रीडिंग्स ले सकते हैं अलग अलग, ताकि आपको एक ग्राफ बनाने के लिए इतने रीडिंग्स काफी हो जाए. सो आफ्टर दैट यू कैन जस्ट टर्न ऑन द नॉब टू 0 एंड देन टर्न ऑन द सर्किट बोर्ड. उसके बाद ही आप सर्किट कनेक्शंस लूज करेंगे, छोड़ेंगे. ठीक है, सो आई होप कि आपको ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन अच्छे से समझ में आया हो और अच्छा लगा हो. सो स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने देखा कि प्रैक्टिकल जो बहुत ही ईजी था, राइट, हमें जो वैल्यूज चेंज करके दूसरी वैल्यूज नोट करनी थी वो भी एकदम ईजी थी. इन सारी वैल्यूज को हम लोग एक ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट डाउन करेंगे एंड फाइनली वी विल प्रिपेयर ए ग्राफ ऑफ वाई एक्सिस पे होगा हमारा LNIC और एक्स एक्सिस पे होगा हमारा VEB, राइट. सो व्हेनेवर यू विल प्लॉट दिस ग्राफ, आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, प्रोबेबली द फोर्थ क्वाड्रेंट में. और उसके बाद आप लोगों को इसका स्लोप निकालना है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय M. ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, हमें जो E बाय K का रेशियो एक्सपेरिमेंटली निकालना है या एक तरह से वेरीफाई करना है, हम लोग इस स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे लैब के रूम टेम्परेचर से. यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है कि रूम टेम्परेचर हम लोग उस थर्मामीटर से मेजर कर सकते हैं जो हमें बेसिकली सेल्सियस में मिलेगा, लेकिन जस्ट बिकॉज बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट केल्विन में हम लोग मेजर करेंगे, वॉट वी विल डू इज we will convert this temperature from Celsius to Kelvin. Conversion हमें पता है, हमें 273 add करना होता है ताकि Celsius का temperature हम लोग Kelvin में लिख सके. So what we have the slope M, we have the temperature in Kelvin, just multiply both of them and verify the value of E by K. Right? हमारा result हम लोग लिख सकते हैं और उसका unit होगा कूलम इंटू केल्विन बाय जूल, राइट. सो सी के बाय जे हमारा इसका यूनिट रहेगा. सो जिस तरह से आपकी वैल्यूज होगी उस तरह से आपका ग्राफ मिलेगा, उस तरह से आपको स्लोप मिलेगा एंड अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर वी कैन कैलकुलेट दिस ई बाय के रेशियो. सो यू कैन चेक दैट ये एक्सपेरिमेंट कितना सिंपल है, कितना छोटा सा है. सर्किट डायग्राम देखो, सर्किट कनेक्शंस देखो और इवन द रीडिंग्स देखो. Everything was very much simple to perform. I hope आप सबको ये आसान सा एक्सपेरिमेंट समझ में आया हो. और once again I would like to acknowledge HVPGR कड़ी Physics Department and its laboratory. ये सारे instruments उसी college के उसी department के laboratory के हैं. I thank you the college and the management for giving me this support and thanks for watching the video. Stay tuned for further videos. Thank you.